नमस्ते डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू तपस्या एनुअल प्रिपरेशन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है डे 8 गवर्नमेंट स्कीम्स में। प्यारे दोस्तों, कितने बच्चों ने अभी तक के सातों सेशन बिल्कुल बढ़िया स्पिरिट के साथ देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए? तो आप तो ऑलरेडी एक सिविल सर्वेंट बनने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। आज 8वें सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये तपस्या की 450 की सीरीज में सेशन नंबर 23 है। आज हमारा फोकस है डिफेंस मिनिस्ट्री पर। हर बार हम मंत्रालय बदल देते हैं, आज है रक्षा मंत्रालय की बारी। तो भारत के रक्षा मंत्री साहब का नाम बताइए जल्दी से, और इनके ठीक पहले भारत के रक्षा मंत्री कौन थे उनका भी नाम बताइए। प्यारे दोस्तों, आपने अभी तक सारे सेशंस देखे, सातों सेशन, शाम को 7 बजे आपको बराबर PDF मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम है शेयर करें, करके दिखाएंगे, लिखिए लाइव चैट में, कॉमेंट थ्रेड में, और आपके शहर से हैं, अपना नाम सब बताइए तो मजा आएगा। ये है आज की 3 स्कीम्स। रेडी, शैल वी बिगिन? सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मली एनरोल नहीं किया हो तो आज के आज कर लीजिए। बेनिफिट ऑफर्स, इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा रेगुलर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मेक टू स्कीम, सिंप्लीफाइड मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014-2015 से शुरू किया गया बहुत बड़ा एक प्रकल्प था, जो बेसिकली भारत में आप जानते ही हैं मैन्युफैक्चरिंग का शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP कितना बेटा, 16%। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं तो सारी फैक्ट्रीज आ गई उसमें, 16%। वो चाहते थे कि ये बढ़ के 25% हो जाए, अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा बढ़ नहीं पाया। तो आज की हमारी 3 स्कीमें ये हैं, याद रखें, प्रीलिम एग्जाम में डायरेक्टली यूजफुल है, और अलग अलग GS पेपर भारत भर के सिविल सर्विसेज में ये स्कीम्स पूछते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स का ये 8वां सेशन है। शुरू करूँ क्या भैया, जल्दी बोलो, पिछली कौन सी हमने मिनिस्ट्री ली थी, किसको याद है? अरे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। प्रोजेक्ट मौसम याद आ रहा है, क्या होता है प्रोजेक्ट मौसम में? तो शुरू करते हैं मेक टू स्कीम सिंप्लीफाइड मेक इन इंडिया। भारत सरकार चाहती है कि भारत में इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। क्या मतलब होता है इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग? स्वदेशी, क्योंकि हम आर्म्स इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे सारे बड़े हथियार हम बाहर से खरीद रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। एक तो फॉरेन एक्सचेंज खर्च हो जाता है और हमारी दूसरों पर निर्भरता बढ़ जाती है। तो कौन मुझे बताएगा S-400 क्या है? सुना है आपने S-400 के बारे में? इसको लेके भारत अमेरिका में बहुत तनातनी भी हो गई। तो जल्दी बताइए, व्हाट एग्जैक्टली इज S-400 सिस्टम जो भारत ने रूस से खरीदा? मेक टू स्कीम सिंप्लीफाइड मेक इन इंडिया क्या कहती है? सबसे पहले इस स्कीम की मूल जानकारी समझ लीजिए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को रक्षा क्षेत्र में पुश देने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, रक्षा खरीदी परिषद DAC सबसे बड़ी बॉडी होती है, चेयर्ड बाय RM, RM का मतलब होता है DM, DM का मतलब होता है डिफेंस मिनिस्टर, भारत में उनको RM भी कहते हैं। जनवरी में उन्होंने मेक टू प्रोसीजर को हरी झंडी दे दी, क्योंकि भारत में मेक इन इंडिया रक्षा क्षेत्र में उतनी तेजी से गति नहीं पकड़ पा रहा था। तो रक्षा मंत्री ने DAC में कहा कि अब हम प्रोसीजर ही बदल देते हैं, अब हम इसको कर रहे हैं मेक टू। ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्री, भारतीय निजी उद्योग जगत का रक्षा खरीदी के पूरे कार्यक्रम में अब भागीदारी बढ़ाना है, उसके बिना सरकार को ऐसा लग रहा है कि हम इसका प्रोपोर्शन बढ़ा नहीं पाएंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, आयात प्रतिस्थापन, क्योंकि आप इसराइल से, अमेरिका से, रूस से, अन्य देशों से इतना सारा आर्म्स, एमिनेशन, वेपनरी खरीद रहे हैं कि आपका फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन हो जाता है। एंड प्रमोट इनोवेटिव सॉल्यूशन, जो वर्तमान मेक प्रोसीजर है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का, ये उसे अमेंड कर देगा। तो ये सारे टर्म्स टर्मिनोलॉजीज ध्यान रखिएगा। तो ये जो मेक स्कीम आई, इसने स्वदेशी कैपेबिलिटीज को डिजाइन और डेवलपमेंट के जरिए तुरंत फटाफट फटाफट डेवलप करने की बात की। कम समय में इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को बढ़ाओ, ये पूरी योजना है। मेक वन स्कीम क्या थी? मेक टू अभी बात कर रहे हैं हम। मेक वन स्कीम सरकारी फंडिंग से चलती थी, जिसमें 90% गवर्नमेंट की फंडिंग हुआ करती थी। मेक टू स्कीम अलग है, ये पूरी तरह से इंडस्ट्री फंडेड होने वाली है, और गवर्नमेंट फंडिंग इसमें किसी भी तरह, एंड प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व नो गवर्नमेंट फंडिंग फॉर डेवलपमेंट, सरकार की तरफ से फंडिंग नहीं होती है, इंडस्ट्री अपनी जेब से पैसा लगाती है। तो इसके कुछ प्रमुख फीचर्स समझ लीजिए मेक टू के। इंडस्ट्री जो होती है वो सरकार के पास जाके डिफेंस के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को सजेस्ट कर सकती है, विशेष तौर पर जिनका आयात हो रहा है। तो कौन बताएगा हमें प्यारे दोस्तों, दुनिया में डिफेंस पे सबसे ज़्यादा पैसा कौन सा देश खर्च करता है? एनुअल डिफेंस बजट है ना, दुनिया में नंबर वन एनुअल डिफेंस बजट किस देश का है बेटा? और आपको जान के बहुत हंसी होगी, हंसी आएगी, कि जो नंबर वन पे है ना डिफेंस बजट में, वो अगले 7-8 देशों के बराबर खर्चा कर देता है।
स्टार्टअप्स और इंडिविजुअल्स भी प्रोजेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं. पोटेंशियल मेक टू प्रोजेक्ट्स विल बी अप्रूव्ड बाय अ सर्टन ग्रुप, DRDO, HQ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिनके अध्यक्ष होंगे सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन. बेस्ड ऑन इन प्रिंसिपल अप्रूवल, एक बार जहां इस कमिटी से इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ गया कि भैया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए भारत में ये हम एक डिफेंस प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, तो फिर उस प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्रालय की साइट पर सभी लोगों के लिए खोल दिया जाएगा. ठीक है. डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट टाइम ऑफ 12 to 30 weeks इज ग्रांटेड, कि भाई प्रोटोटाइप बना कर लाओ, यानी एक मूल प्रारूप लाओ कि तुमसे हो भी पाएगा कि नहीं, समझ में आया. और उसके बाद कमर्शियल RFP जारी किया जाता है, और एक बार RFP जारी हो गया तो उसको रिट्रैक्ट नहीं कर सकता. जिस इंडस्ट्री को वो मिल गया, 100% गारंटी है कि तुमको ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा. ये फंडा समझ में आया. मतलब पहले ऐसा कई बार हुआ होगा कि ऑर्डर दिए जाने के बाद भी ऑर्डर कैंसिल किए जाते रहे होंगे, जिससे इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस टूट गया. समझ में आया आपको. और अगर केवल एक किसी कंपनी ने भी कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन दे दिया तो प्रोजेक्ट करवाया जाएगा. सारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कंपनी डेवलप करेगी उसी के पास रहेगा. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को IPR कहते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार. जल्दी से बताइए IPR का क्या मतलब होता है, बौद्धिक संपदा अधिकार ये होता क्या है? प्यारे दोस्तों, कुछ स्पेसिफिक रीजंस जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, सरकार को मार्जिन राइट्स दिए जाएंगे, सरकार उसमें दखल दे पाएगी कुछ विशेष कारणों से ही. समझ में आया. मेक टू प्रोसीजर का मूल मकसद है कि समय कम कर दो. इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक अनुमति मिलने से फाइनल ऑर्डर प्लेस होने तक के समय को कितना घटाना है, 50%. क्यों? क्योंकि भारत में डिफेंस प्रोक्योरमेंट में सबसे खतरनाक समस्या बनी हुई है समय. रक्षा खरीदी में कई 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 साल लग जाते हैं, जब तक वो टेक्नोलॉजी जिसकी बात चल रही है वही पुरानी हो जाती है, कर लो बात. तो इसलिए उसको फास्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज काम कैसे चलेगा. आई होप दिस इज़ टोटली क्लियर. तो मेक टू प्रोसेस एक प्रयास है कि इसमें बदलाव आए. तो इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, आइए उसको देखते हैं. प्यारे दोस्तों, जब से मेक टू लॉन्च हुआ है तो उसमें एक सुओ मोटू सबमिशन ऑफ प्रपोजल. सुओ मोटू यानी स्वतः, जैसे कोर्स लेते हैं ना सुओ मोटू कॉग्निशंस, कितनों ने सुना है. भारत में न्यायपालिका सुओ मोटू कॉग्निशंस ले सकती है किसी सिचुएशन का. आपने सुना है उसके बारे में, सुओ मोटू. कई लोग उसको सुओ मोटो बोलते हैं, वो मोटू है, MOTU. तो कौन बताएगा उसका मतलब क्या होता है. तो अलग अलग प्रपोजल्स क्लियर भी हो चुके हैं उसमें, जैसे कि स्पार्क, सपोर्ट फॉर प्रोटोटाइप एंड रिसर्च किक स्टार्ट. तो ये कुछ फुल फॉर्म्स वगैरह हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. प्यारे दोस्तों, भारत की डिफेंस स्पेंडिंग आपके सामने है. ये अलग अलग चार्ट्स हमने इसलिए दिए हैं ताकि आपको पता रहे कि कितना पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है. टोटल डिफेंस बजट का आपको वैल्यू यहाँ दिखेगा. तो भारत कुल रक्षा पर 4,31,000 करोड़ का बजट लेके चल रहा है, जिसमें अगर आप देखेंगे रेवेन्यू एलोकेशन 2,15,000 करोड़ है, मतलब सैलरी और पेंशन. समझ में आया आपको. और पेंशन में 1,12,000 अलग. तो कैपिटल अलोकेशन हुआ 1,03,000, मतलब 4.3 लाख करोड़ में से ओनली 1 लाख करोड़ इज़ फॉर कैपिटल एक्विजिशन, नए हथियारों की खरीदी, बाकी सैलरी और पेंशन में निकल रहा है. तो भारत के डिफेंस बजट की सबसे बड़ी समस्या ये है, और ये है डिफेंस का पाई में हिस्सा. पूरे बजट 28,00,000 करोड़ में डिफेंस का इतना हिस्सा. समझ में आ गया. तो इस प्रकार से ये कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशनल कैप्सूल्स हैं, इन्हें पढ़ लीजिएगा. डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत में आ रहे हैं, आपको पता ही है. रक्षा औद्योगिक गलियारे, एक आ रहा है तमिलनाडु में, एक आ रहा है उत्तर प्रदेश में. ये आप देख लीजिएगा अच्छे से. ज़बरदस्त औद्योगिक विकास इन क्षेत्रों में होगा, इसलिए इन राज्यों को बहुत बहुत लाभ होने वाला है. भारत क्या क्या खरीदने के लिए निकला हुआ है, 126 रफाइल फाइटर, सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर्स फॉर द मिलिट्री, टैंक्स, एंटी टैंक व्हीकल्स और 56 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन. इनमें से कुछ हम भारत में बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हम विदेशों से ही खरीद रहे हैं. ये कुछ और जानकारियाँ, ठीक है. तो ये सब आपके लिए हमने एक ही जगह इकट्ठा कर दिया है कि आप आराम से PDF में पढ़िएगा. आने वाले एक साल में आपको अब हम एक नया कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा निधि. सरकार ने अभी सिर्फ इस पे सजेशन दिया है, ये हुआ नहीं है. हो सकता है 15वां वित्त आयोग इसके ऊपर कुछ बात करे तो हम आपको तब समझाएंगे. बेसिकली सरकार ये बोल रही है कि जो टोटल शेयरेबल पूल ऑफ टैक्सेस बन रहा है आज, वो केंद्र और राज्य के बीच में बट जाता है बेस्ड ऑन फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन क्या होता है बेटा, वित्त आयोग. आर्टिकल कौन सा लगता है उस पे, संविधान के कौन से आर्टिकल में बनता है वित्त आयोग हर 5 साल में, 280. पूरे शेयरेबल पूल को दो में बांटते हैं, केंद्र का पैसा, राज्यों का पैसा. अब केंद्र ये कह रहा है कि जो भी पूल इकट्ठा होगा टैक्सेस का, उसमें से एक हिस्सा तो पहले आप राष्ट्रीय सुरक्षा निधि में अलग ही कर दो,
और फिर बचे हुए को बांटो, तो इसमें तो राज्यों के हाथ में और कम पैसा आएगा, तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। आपके लिए हमने जीएस के क्वेश्चंस लाइन अप कर दिए बेटा, इन क्वेश्चंस को पढ़िए, अपनी तपस्या की एक नोटबुक बना लीजिए, उनमें उत्तर लिखते चलें, वार्तालाप फोरम पे जाके भी उत्तर लिखें। प्रज्ञेश कुमार पटेल, नमिता पांडे, धीरज कुमार हमारे साथ तपस्या में जुड़े हुए हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं, सिंसियर बच्चे हैं, अभी से अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं। आप भी सिंसियर बने, तपस्या सीरीज़ को फॉलो करें, अभी तक एनरोल नहीं किया है तो यहाँ करें और आप भी तपस्या की सीरीज़ में इसी तरह फीचर होंगे। ऑल द बेस्ट, खूब सफल हों जीवन में आप सभी लोग। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लगें तो इस लिंक पे जाके कॉन्ट्रीब्यूट करना मत भूलिएगा। मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, आज की हमारी दूसरी सरकारी स्कीम। ये सभी सरकारी स्कीमें सभी सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में यूजफुल हैं, ध्यान रखना। शाम को 7 बजे पीटी के ऐप पे आज के तीनों पीडीएफ एक कंबाइन फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। कितने बच्चों ने अभी तक के सारे डाउनलोड किए बेटा? मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति ये कहता है, रक्षा मंत्रालय कहता है कि इस पावर ऑफ डिफेंस नॉलेज में भारत में आईपीआर कल्चर का संवर्धन करना। आईपीआर कल्चर का मतलब होता है अपनी ओरिजिनल खोज अनुसंधान करके पेटेंट हासिल करना, ओरिजिनल आरएनडी, इंडिजिनस आरएनडी, अप्लाइंग फॉर पेटेंट्स, अर्निंग पेटेंट्स, ताकि भारत में सिर्फ हम कॉपी पेस्ट ना करें, विदेशों से सामान ना खरीदें, हम अपना सामान बनाकर विदेशों में भी बेचने के लायक बन जाएं। कितने लोग अग्री करते हैं इस कॉन्सेप्ट से? उम्मीद करूंगा आप सभी यस लिख रहे हैं लाइव चैट में पूरे जोश के साथ। क्या भारत को अपना खुद का घरेलू आईपीआर पूरी ताकत से डेवलप करना चाहिए, यस और नो बताओ बेटा? एम, इस योजना का लक्ष्य है भारत के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनियों में जितने भी हैं और हथियार और आयुध फैक्ट्रीज जो हैं भारत में, कहां कहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, ऑर्डिनेंस। एक दूसरा होता है बेटा ऑर्डिनेंस, कौन बताएगा ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस का अंतर? तो जितनी हथियार फैक्ट्रीज हैं उन सभी को ये बोलो कि ज्यादा से ज्यादा पेटेंट अप्लाई करो और पेटेंट हासिल करो, तो भारत का डोमेस्टिक ज्ञान बेस बढ़ेगा बेटा। टारगेट दिया गया कि 10,000 लोगों को ट्रेन किया जाएगा और आईपी फैसिलिटेशन सेल इसके लिए DGQA को काम दिया गया। समझ में आ गया? लॉजिक ये है कि हजारों सालों से भारत में ओरिजिनल नॉलेज का काफी काम होता रहा, लेकिन आजादी के बाद से कहीं ना कहीं हम लोग आर्म्स, अम्यूनिशंस और वेपन्स में बहुत बड़े इम्पोर्टर देश बन गए, दुनिया के टॉप 3 इम्पोर्टर में से एक हैं, तो वो गर्व की बात थोड़ी, वो तो शर्म की बात है। आपको तो इम्पोर्ट करना ही नहीं चाहिए ना, बल्कि लोगों को आपसे इम्पोर्ट करना चाहिए, तो उसे अब हम बदलना चाहते हैं। और हम चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि आज हम विदेशियों को बोलते हैं कि हम तुमसे खरीदेंगे, तुम TOT करो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हम चाहते हैं कि हम तो खरीदना ही बंद करते हैं और उनको बोलें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तुम तुम्हारे पास रख लो, हम अपनी बना लेंगे। लेकिन अभी इसमें बहुत लंबा रास्ता है दोस्तों, और भगवान से यही प्रार्थना है कि ये जल्दी हो जाए। तो ये मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति की कुछ और जानकारियां हैं, आपको कैसा लगा बताइए। इसके ऊपर हमने आपको कुछ सवाल दिए हैं, इनके छोटे छोटे 50 से 100 शब्दों में उत्तर अपनी नोटबुक में रखिए, तपस्या की नोटबुक बना लीजिए और वार्तालाप फोरम पे जाकर भी आप उत्तर लिख सकते हैं। वन रैंक वन पेंशन स्कीम आप जानते ही, इस पे बहुत चर्चा हुई है। एक रैंक और एक पेंशन स्कीम दरअसल होती क्या है? बेसिकली OROP ये कहता है जो भी मिलिट्री के सदस्य सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं सभी को इक्वल पेंशन मिले, जो लोगों ने एक ही रैंक से रिटायरमेंट लिया और एक बराबर सेवा दी। तो कोई 1990 में रिटायर हुआ 25 साल की सेवा के बाद एक पर्टिकुलर रैंक एक्स पे से, और कोई 2005 में रिटायर हुआ रैंक एक्स पे से 25 साल की सेवा के बाद, दोनों को पेंशन सेम मिले। समझ में आया आपको? ये पहली घोषणा मनोहर पर्रिकर ने 2015 में की थी, वो तो अब रहे नहीं सरकार को, वो कहते हैं कि काफ़ी सम्मान है डिफेंस के लिए और हम 40 साल से पेंडिंग चली आ रही OROP को अब सुलझा देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि वन रैंक वन पेंशन हो इररिस्पेक्टिव कि आप कब सेवानिवृत्त हुए थे। लेकिन उस वक्त 10,000 करोड़ की लागत आ रही थी और सरकार को बहुत दिक्कत हो रही थी इस प्रकार से फंडिंग करने में। आर्ग्यूमेंट जो OROP के लिए दिया जाता है वो ये है कि क्योंकि डिफेंस पर्सनल नॉर्मली फिजिकल वेयर एंड टेयर की वजह से कई बार रिटायर अर्ली होते हैं, तो उन्हें बहुत सारे दूसरे फायदे नहीं मिल पाते हैं और इसीलिए OROP मिलना चाहिए। तो OROP में ये होगा कि रिटायरिंग इन द सेम रैंक विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस रिगार्डलेस ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट को सेम पेंशन मिलनी चाहिए। समझ में आ गया? तो नेचुरली हर कुछ सालों में बढ़ानी भी पड़ेगी ना,
तो जो पिछले लोग रिटायर हुए उनकी भी बढ़ जाएगी। फंडा समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार से आज पेंशन पाने वाले और कल पेंशन पाने वाले एक ही पटरी पर आ जाएंगे। अभी हालांकि 100% ओआरओपी सही ढंग से लागू नहीं हो पाई है, ये कुछ और जानकारियां दोस्तों तकनीकी है, इसको बारीकी से पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधित जीएस के प्रश्न मैं यहां दे रहा हूं। ओआरओपी के बारे में आपका क्या कहना है? आज इसके लागू होने में अभी भी कहां कहां दिक्कतें हैं हमें जरूर बताइएगा। शाम को 7 बजे आज के PDF PTA ऐप से ले लीजिएगा। सिविल तपस्या रोजाना विजिट करें, आंसर राइटिंग के लिए वार्तालाप, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की ऑन है, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी आइए ज्वाइन कीजिए। और IAS में अगर आपको सिर्फ इंडिविजुअल लेक्चर्स पढ़ने हैं gurukul.pteducation पर उपलब्ध है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त। अब आपसे शाम को 6:30 बजे प्रीलिम MCQ के लिए भेंट करेंगे। नमस्ते, जय हिंद।